यूपी में मदरसों के सर्वे वाले आदेश के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में एक महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होनी होगी। इस कड़ी में सभी कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखकर आदेश दिया गया है। राज्य सरकार को ऐसे इनपुट मिले हैं कि बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, ऐसे में उसी की जांच के लिए फैसला किया गया है। कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह पता भी नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, तो आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो फिर उसे मालिक वापस नहीं ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय से धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा जिसके पास होता है उसे ही हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और देने का अधिकार होता है। वक्फ का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में स्मृति ईरानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन है। अब विवाद जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर है, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इनके पास कितनी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैली हुई है। बोर्ड की संपत्तियों के जांच के आदेश पर किसने क्या कहा है, आइए ये भी जान लेते हैं। यूपी हज कमेटी के चेयरपर्सन और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्ति के सर्वे को सही ठहराया है। वहीं ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में हिंदू मठों की भी जांच करवानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस सर्वे के खिलाफ है। सरकार अन्य मुद्दों से भटकाकर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।